अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों देशों के बीच तनातनी चल रही है और इन तीनों देशों को भारत के साथ की जरूरत है। इसीलिए शंघाई सहयोग संगठन और क्वाड दोनों जैसी जगहों में भारत की अहमियत बहुत बढ़ जाती है पहले किसी अतीत के मुकाबले। उधर राष्ट्रपति पुतिन रूस की नेतृत्व में एक यूरेशिया का सपना देख रहे हैं, उसकी अवधारणा कर रहे हैं, उसका विजन है उनका और उसको भी पूरा करने के लिए उनको भारत के साथ की जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी ये देखने को मिला है कि भारत किसी दबाव में नहीं आया है। यूक्रेन के साथ जंग में फंसे रूस को अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। रूस को लेकर दूसरे कई मसलों पर भी अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत रूस की निंदा करने और रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार करके प्रधानमंत्री मोदी भारत के कद को दुनिया में और ऊंचा करने में कामयाब रहे हैं। अगर हम सियासत पर नजर डालें, राजनीति पर नजर डालें, तो एक बात साफ नजर आती है कि रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये अपने विरोधियों को रोकने के लिए या वो कोई फायदा ना ले पाए इस बात के लिए वो चाहता है कि भारत का साथ उनको लगातार मिलता रहे। ये भी एक बड़ा पॉइंट है और इसीलिए रूस के मुद्दे पर भारत के स्टैंड पर एक समय अमेरिका की नाराजगी थी जो अप्रैल के बाद बदल गई और उसका रुख भारत की तरफ बदला हुआ साफ नजर आने लगा। मई के महीने में जब क्वाड की बैठक में मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई तो अमेरिका ने साफ जाहिर किया कि रणनीतिक तौर पर भारत और अमेरिका उनकी एक साझेदारी बनती है और ये बात खास तौर पर क्रेडिट होता है, श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार जापान में बाइडेन से मोदी की मुलाकात हुई। रूस के बारे में भारत से मतभेदों के बावजूद बाइडेन ने कहा, मैं पृथ्वी पर हमारे सबसे करीबी के बीच अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। संयुक्त बयान में भी पीएम मोदी ने नहीं, सिर्फ बाइडेन ने ही रूस की निंदा की। मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच बॉन्डिंग साफ नजर आई, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी में 2 साल से बात नहीं हुई। दोनों नेता साल 2019 में मिले थे और शुक्रवार को एससीओ की बैठक में भी दोनों नेताओं के बीच दूरी बनी रही, लेकिन अपने भाषण में सप्लाई चेन का मुद्दा उठाकर मोदी ने चीन को साफ संदेश दे दिया कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन का संकट खड़ा हुआ है और इसका विकेंद्रीकरण करना होगा, जिस पर चीन को भी मुहर लगानी पड़ी। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एससीओ की बैठक के जरिए भी पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से सीधा बातचीत ना करके साफ कर दिया कि दोस्ती का दिखावा और सरहद पर तनाव साथ साथ नहीं चल सकता। दरअसल पीएम मोदी और जिनपिंग के रिश्तों के बीच टर्निंग पॉइंट साल 2020 में गलवान बना था, जब चीन ने एलएसी पर अपना क्रूर चेहरा दिखाया था। भारत ने अपने 20 जवान खोए थे और तभी पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती। मोदी ये संदेश पाकिस्तान को पहले ही दे चुके हैं। जाहिर है रूस से मजबूत रिश्तों के बीच चीन और पाकिस्तान जैसे दो देश भी हैं जिनसे भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन अब ये दोनों देश भी विश्व मंच पर पीएम मोदी की हैसियत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।